आइए, दादू अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। तौफीक नहीं हुई किसी को यहाँ आकर इस्तकबाल करने की? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों का इंतजार वो अंदर कर रही हैं। आइए। अमल, खुशामदीद। आइए बेटे। अमल बैठो, मैं सब घर वालों से मिलवाऊं तुम्हें। सबसे मिलने की क्या जरूरत है, इन सब से तो मैं कई बार मिल चुकी हूं। अब बेटा, आप बकायदा तौर पे तो बहू की सूरत में पहली दफा आई है ना इस घर में। चलिए, सब बड़ों की दुआएं लीजिए। मेरे लिए मेरे डैडी की दुआएं काफी हैं। दुआएं भी खुश नसीबों को मिलती है, अगर कोई इसको गैर अहम समझता है तो ये उसकी मर्जी है। आपको क्या लगता है कि मैं खुश नसीब नहीं हूं? फरा, वो अमल की मुंह दिखाई की ज्वेलरी और सारी चीजें कहाँ रखी हैं? आप बताइए, हम ले आते हैं। कमरे में ही है जी। हमजा, आपने यहाँ लाने से पहले इनको इस घर के तौर तरीके सिखाए थे? मुझे कोई कहीं के तौर तरीके ना बताए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूं। लग रहा है घर आए मेहमान का आप लोग इस तरह इस्तकबाल करते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आपके घर का माहौल मुख्तलिफ है और हमारे घर का माहौल मुख्तलिफ। शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। सारे तौर तरीके जानने के बाद ही हमजा ने मुझे एक्सेप्ट किया है। आपको क्यों एतराज है? किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुमको इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपनी भांजी को सिखाया।